जिस फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा की रिजा में अल्लाह की रिजा, तो ये रिजा आखिर हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। बड़ी बड़ी अहम बातें हर एक के इल्म में हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ अहम बातें ये सोच के मोमिन नज़रअंदाज कर देता है कि तो बहुत ही छोटी बात है, लेकिन हो सकता है कि जिसे वो छोटी बात समझ रहा हो, शहजादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा की निगाह में वही बात बहुत बड़ी हो। जैसा कि मासूमीन की अहादीस में कई मर्तबा ये पैगाम दिया गया है कि किसी भी नेकी को ये समझ के तर्क न करना, अरे ये इतनी छोटी सी मामूली नेकी, बड़ा काम करेंगे, बड़ी नेकी करेंगे, और किसी भी गुनाह को ये समझ के अंजाम न देना कि अरे इतना गुनाह तो हो ही जाता है, इतना तो चलता है। और कभी भी किसी इंसान को इस समझ के हकीर ना समझना और इग्नोर ना करना कि अरे ये मामूली सा इंसान, इज्जत करना है, एहतराम करना है तो किसी बड़े आदमी का करो, चाहे वो दीनी एतबार से ही सोच रहा हो कि एहतराम इज्जत है तो किसी मर्जे मुश्तहिद बहुत बड़े आलिम बहुत मुत्तकी इंसान। और मासूम ने वजह भी बताई कि अल्लाह ने अपनी रिजा, वही लफ्ज रिजा, एक नेकी में छुपा के रखी। हो सकता है जिसे तुम छोटी नेकी समझ के इग्नोर कर रहे हो, इसी के अंदर परवरदिगार की रिजा छुपी हुई हो। और खुदा ने अपना गजब और नाराजगी एक गुनाह में छुपा के रखा, हो सकता है कि यही गुनाह जिसे तुम मामूली समझ के नजरअंदाज कर रहे हो, इसी के अंदर अल्लाह की नाराजगी छुपी। किसी आपके सामने 50-60 खाने पीने की चीजें हैं और कहा गया किसी एक में जहर, और आपने अपनी अकल के हिसाब से अंदाजा लगाया कि भाई इस वाले में नहीं होना चाहिए, तो बहुत छोटी चीज है, हो सकता है उसी में जहर हो। और अल्लाह ने अपना वली, अपना दोस्त इंसानों में छुपा के रखा है, हो सकता है जिसे तुम बहुत मामूली इंसान समझ रहे हो, यही वली या खुदा हो। तो बड़ी नेकी भी करो, लेकिन छोटी नेकी का मौका मिल रहा है उसे नजरअंदाज ना करो। बड़े गुनाह से भी अपने आप को बचाओ, मगर छोटे गुनाह को भी नजरअंदाज ना करो। मुकद्दस और परहेजगार लोगों का भी एहतराम करो, लेकिन छोटा समझ के किसी को हकीर और जलील करार न दो। बहुत ही मशहूर हदीस है, आप सुनते भी रहते हैं और अमली जिंदगी में मैं अक्सर इसकी मिसालें भी देता हूं। ये बहुत सारे लोग, मौलाना कोई दुआ बताइए कि हमें जॉब मिल जाए, हमने कहा ये जो आपको जॉब मिल रहा है, अरे बहुत बहुत छोटे से जॉब है, बहुत मामूली, ये क्या करेंगे, वो बड़ा मिले। कितने ही अच्छे मौके वो खो देते, हो सकता है यही छोटा जॉब आगे चल के उसको इतनी बरकत ला के दे।